अच्छा, जन्मदिन के अवसर पर सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ साथ में उनके पालकों को, अभिभावकों को भी शुभकामनाएं, क्योंकि बच्चे के साथ में उनके माता पिता का भी एक जन्म होता है, इसलिए उन सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूं। आपकी तरक्की हो। आज मुझे यहाँ पे पेरेंटिंग के बारे में बात करना है कि हम लोग हमारे बच्चों को किस तरीके से अच्छी आदतें, अच्छी उनकी मदद कर। माता पिता चाहता है कि बड़ा हो के उनका बच्चा एक अच्छा जिम्मेदार इंसान बने, जो उनका उनके समाज के लिए अच्छा काम करे। ये सभी माँ बाप की इच्छा होती है और वो हर तरीके से कोशिश करते हैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छा पालन पोषण करने की। लेकिन फिर भी कईयों का ये सवाल है कि हमारे बच्चे हमारा सुनते नहीं है या फिर बहुत खट्टी हो गए हैं। ये सभी का एक हर माँ बाप की या ज्यादातर माताओं की एक कंप्लेन रहती है हमारी कि मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है। तो ये मेरा बच्चा मेरा क्यों सुनता नहीं है, इस पर थोड़े ना सवाल करेंगे। वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ एक दादा दादियों को, मेरे बड़ों को पेरेंटिंग के बारे में सिखाने के लिए, लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बात ये है कि हम हमारे बच्चे को किस तरीके से जानते हैं, समझते हैं, या फिर उस बच्चे को क्या समझते हैं। हमारे बच्चे हमारी कोई जायदाद या प्रॉपर्टी है या फिर वो हमारे द्वारा इस दुनिया में आया हुआ एक इंडिविजुअल इंसान है, ये हमको जानना बहुत जरूरी होता है। कई माँ बाप ये चाहते होते हैं कि नहीं, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन हमारे ग्रंथों में बताया गया है, हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि माता पिता और गुरु, ये एक बच्चे को बड़ा करने में तीन स्तंभ होते हैं। गुरु होता है ब्राह्मण जो ज्ञान देता है, चाहे वो कोई भी हो, स्कूल का टीचर हो या किसी भी तरीके से ज्ञान देने वाला इंसान हो। पिता वो होता है जो उसका पालन पोषण ग्रहण करता है और माता वो होती है जो एक बच्चे का धारण करती है, उसको संभालती है। तो पोषण के बारे में बात करेंगे। माता पिता जो पोषण करते हैं अपने बच्चों का, खाना देना शारीरिक पोषण की पोषण नहीं होता है। खाना दे दिया हमने बच्चों को, कोई कोई माँ बाप बहुत पीछे पड़े होते हैं कि बच्चा ये खाए वो खाए ये खाए, बस शारीरिक रूप से पोष्ट बने। लेकिन उसी तरह से उसका मानसिक पोषण भी करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें हमारे घर में उस तरीके का एटमॉस्फेयर वातावरण रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे आपसी संबंधों पे वो बहुत डिपेंड करता है। उसी तरह से सामाजिक पोषण भी एक बहुत जरूरी होता है कि समाज में हमारा बच्चा जाकर किस तरीके से बिहेव करेगा, किससे दोस्ती करे, किससे ना करे, किस संगत को चुने, किससे ना चुने। क्योंकि कुछ समय तक ही बच्चा आपके साथ रहता है, उसके बाद में उसे दूर दूर जाना पड़ता है। तो उसका मानसिक विकास भी सही तरीके से हो, सामाजिक विकास भी सही तरीके से हो और उसका शारीरिक विकास भी सही तरीके से हो। इसलिए हमको क्या करना है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में कई सारी चीजें बताई गई है। बच्चे आकर बहुत करते हैं, हमने पूजा करवाते हैं उनसे, तो बच्चे पूछते हैं। आजकल के बच्चे तो ज्यादा टेक्निक और लॉजिकल होते हैं और हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट है, तो वो लोग पूछते हैं हमको कि ये क्यों करें। अभी कई बच्चे पूछेंगे कि मामा हमने हवन क्यों कराया, क्यूरियस रहते हैं कि क्या होता है यज्ञ, क्या होता है हवन। अगर हम जानते हैं तो हमें उसका सही से जवाब देना चाहिए। अगर बच्चे को गलत जवाब मिला तो उससे अलग हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए माता पिता का भी कर्तव्य है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका सामाजिक तौर पे, उसका आपके मानसिक तौर पे, धार्मिक तौर पे उसका क्या महत्व है। अगर हम रात को दिया जलाते हैं, हम कई घरों में दिया क्यों जलाते हैं, भभूति क्यों लगाते हैं, माता पिता के चरण क्यों छूते हैं, बस मैंने किया इसलिए तुम छू, ये बात सही नहीं है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, हमारे शास्त्रों में उसके पीछे क्या बताया गया है, ये हमें उस बच्चे को जानना है। उसको समझ में आता है तो वो जरूर करेगा, इससे हमारे बच्चे के संस्कार बढ़ेंगे और वो बड़ा होकर वही बनेगा जो आप उसको बताना चाहते हैं। क्योंकि आज के हर बच्चे को अपने सवालों का सही से जवाब चाहिए और उसका प्रैक्टिकली उत्तर चाहिए होता है।
तो ये जानना हमको बहुत जरूरी होता है कि हम क्या करें, क्या बताएं, क्या ना बताएं। नहीं तो बच्चा वही होता है कि 13-14 साल का बच्चा हुआ, वो अपने दोस्तों की बात ज्यादा मानने लगता है अपने माता पिता से, क्योंकि वो जो सवाल करता है उसके जवाब हमको नहीं मिलते। इसलिए शास्त्रों में बताते हैं कि 5 साल तक के बच्चे को बहुत प्यार करो, लालन पोषण करो। 12 से 13 साल तक के बच्चे को शिस्त लगाओ, डिसिप्लिन लगाओ। और जब बच्चा 14-15 साल का होता है तो उसके दोस्त की तरह उसका, उसके साथ में उसको दोस्त की तरह संभालो। दोस्त की तरह संभालने में आजकल तो बहुत ज्यादा ही माता पिता करने लगे। दोस्त के साथ संभालने का ऐसा मतलब नहीं है कि साथ में बैठ के आ जाओ दारू पी लो ये पी लो, ऐसा कुछ नहीं। दोस्त क्या है, उसके साथ में चर्चा करो, सवाल करो उसके बारे में, हर सामाजिक बातचीत तौर पे उससे सलाह मशवरा करो, उसे अपना दोस्त बनाओ। तो ये है दोस्ती, तभी बच्चा आपके पास में अच्छे से या एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा आपके बच्चे में। तो ये है असली पैरेंटिंग। सही तौर से बताया जाता है तो हम हमारे बच्चे पे विश्वास कम करते हैं, आजू बाजू के लोगों पे विश्वास ज्यादा करते हैं। तो बच्चे को समझने की कोशिश नहीं करते कि वो क्या कहना चाहता है। आप सुनो, समझो। हमको पता है कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चे को पूरी तरीके से, लेकिन इसके लिए हमारे पास में, हमारे से कुछ जगह बनाई गई है, जैसे बाल विहार बनाया गया है, बाल विकास केंद्र है, जहाँ पे हफ्ते में एक बार हम हमारे बच्चों को भेज सकते हैं। जो बात हम यहाँ से नहीं बता सकते वो शायद टीचर के द्वारा बच्चे हमारे सीख पाए। तो इस तरीके से मदद मिल सकती है हमें बाल विहार केंद्रों द्वारा या फिर बाल विकास केंद्रों द्वारा।